हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लाइटिंग पैनल के स्नैगिंग के बारे में कि लाइटिंग पैनल में स्नैगिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसका कवर ओपन है, तो ये हम लोग पॉइंट मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट कि टीवी का कवर ओपन है और यहाँ पे कोई भी की अवेलेबल नहीं है, तो टीवी कवर ओपन एंड की मिसिंग, पहला पॉइंट ये हमारा हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि इसके इनकमिंग केबल का कोई भी टैग नहीं दिखा रहा कि कहाँ से ये केबल आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो ट्रे का लेबलिंग भी नहीं हुआ है, यहाँ पे दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग इसमें जो भी हमारा MCB लगा हुआ है इसका नंबरिंग नहीं हुआ है, ठीक है। चौथा हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी स्क्रू वगैरह कहीं मिसिंग तो नहीं है, तो हमारा सब स्क्रू है इसमें। पांचवा हम लोग इसका शेड्यूल निकालते हैं, डीबी शेड्यूल निकाल के, और इसके डीबी शेड्यूल के अकॉर्डिंग सभी हम लोग मैच करते हैं इसका रेटिंग। ये हमारा जो भी मेन ब्रेकर है MCB है उसका रेटिंग हमारा डीबी शेड्यूल से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मेन जो है मेन 125 एम्पियर आइसोलेटर है और RCC भी 40 एम्पियर का लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए आपको दिखाते हैं, ये हमारा मेन हो गया, मेन हमारा 125 एम्पियर का है, ओके है, और RCC जो है वो 40 एम्पियर का लगा हुआ है, ये भी ओके है, और ये हमारा तीन फ्यूज़ है 4-4 एम्पियर का, ओके, और ये हमारे MCB हैं, ठीक है, तो 12 MCB लगे हुए हैं। यहाँ पे MCB का नंबरिंग होना चाहिए सेपरेट, ठीक है। और जो भी हमारा इसमें लाइटिंग का फिक्सर है उसके लिए एक कोड यूज किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर जो CFL लाइट है तो एक फिक्सर में अगर जो दो CFL लाइट लगा है 36 वाट का, तो उसे हम लोग RC6 बोलेंगे, और एक CFL फिक्सर में अगर जो एक 26 वाट का लाइट लगा हुआ है तो उसे हम लोग SC3 बोलेंगे। ऐसे ही एक सेपरेट कोड यूज़ करते हैं हम लोग लाइटिंग फिक्सर के लिए। स्नैगिंग में हम लोग मेन मेन पॉइंट देखते हैं कि डीबी का अर्थिंग हुआ है, बॉडी अर्थिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, कवर प्रॉपर है, इस पर कहीं कवर में कोई डैमेज तो नहीं है। हम लोग डीबी शेड्यूल के हिसाब से प्रॉपर MCB मैच करते हैं, इसका रेटिंग मैच करते हैं, इसका सर्किट नंबर मैच करते हैं। इसमें जो भी जैसे सपोज अगर जो एक नंबर सर्किट है ये बोल रहा है कि वेस्टिब्लू में यहाँ से सप्लाई जा रहा है, तो अगर जो वेस्टिब्लू में हमारा पावर कट हो रहा है तो हम डायरेक्ट आके इस सर्किट को चेक करेंगे यहाँ पे क्या फॉल्ट है। और सपोज़ ये हम लोग नंबरिंग काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ना कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे हम लोग काउंट नहीं करते हैं, हम लोग 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हैं नंबरिंग।